नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय हिंदी 21 नन्हा मुन्ना राही हूँ का हमने यह जो कविता है वह मैंने आपको पहले गा के सुनाई थी। हमने उसका अध्ययन किया था, मैंने आपको समझाई थी और हमने उसका स्वाध्याय के प्रश्न और प्रश्न के उत्तर भी सोल्व किए थे। आज हम सिपाही और हमारा देश जो भारत है उस पर आज हम निबंध लिखेंगे, ठीक है। पहला है, यह किसका चित्र है? सिपाही यानी सैनिक का चित्र है। यह जो है वह हमारे देश का राष्ट्रध्वज लेके खड़ा है। पहला हम आज सिपाही का निबंध लिखेंगे। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। वह देश की आज़ादी के लिए और देशवासियों के लिए अपने प्राण भी त्याग देते हैं। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकते। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकते। वह अपने मृत्यु दे देते हैं और अपने प्राण भी न्योछावर कर देते हैं। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हमारा देश जो भारत है उसका जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि भारत का जो तिरंगा झंडा है वह हमेशा ऊंचा रहे। हमेशा उसकी यह आशा रहती है कि हमारे देश का जो तिरंगा है, तिरंगा झंडा भारत देश का, वह हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। सिपाही अपने भारत देश के प्रति बहुत वफादार होता है। सिपाही अपने भारत देश से बहुत प्रेम करता है। इसलिए सिपाही यह एक ऐसा इंसान है जो देश के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर देता है। यह हुआ सिपाही एक निबंध, ठीक है। फिर आता है दूसरा, हमारा देश भारत। यहाँ देखिए, यहाँ पर भारत का नक्शा दिया गया हुआ है। भारत के नक्शे में तिरंगे झंडे के अनुसार देखिए, यहाँ पर रंगे, पहला है केसरी, दूसरा है सफ़ेद, तीसरा है हरा और बीच में अशोक चक्र भी है जो ब्लू है, वह दिया गया है। चलो अब हम भारत देश के बारे में निबंध सुनेंगे। मैं बोलती हूँ, आप अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। भारत हमारा देश है। भारत जो है यह हमारा देश है। हम इस भारत देश में रहते हैं। पुराने ज़माने में यहाँ भरत नाम के एक वीर थे और प्रतापी राजा भी हुए थे। यहाँ पर पुराने ज़माने में जब इस यह भारत देश का नाम जो था वह भरत एक वीर थे और प्रतापी राजा भी हुए थे। उसके नाम पर से ही यह भारत देश कहलाया था। उन्हीं के नाम से ही हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम है हिंदुस्तान। दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी कौन सी है? हाँ, दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली ही है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। हमारा देश विशाल है। हमारा देश बहुत बड़ा विशाल है। यहाँ विविध जाति के लोग रहते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि विविध जाति के लोग भी रहते हैं और अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध आदि धर्म के लोग भी रहते हैं। वे आपस में अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति होने के बावजूद भी वह मिलजुल कर रहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश यानी कि क्या, यहाँ पर 70% लोग खेती पर ही अपना गुजारा करते हैं और खेती से ही हमारा भारत देश चलता है, इसलिए भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं, यहाँ पर 70% लोग खेती करते हैं। यहाँ देवभूमि है, यहाँ पर अलग अलग देवों के भी जन्म हुए और देवों के भी मृत्यु हुए हैं और इसलिए इसे यहाँ देवभूमि भी कहा जाता है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। हमारा देश जो भारत यह है वह मुझे प्राणों से भी बहुत प्यारा है, क्योंकि भारत देश में बहुत सारी प्रगति हुई है, वह चाहे वो विज्ञान में हो, कोई कृषि में हो, किसी में भी हो, वहाँ पर यह भारत देश हमारी आगे ही आगे प्रगति करता है। चलो बच्चों, आज मैंने आपको सिपाही का निबंध और हमारा देश भारत के बारे में मैंने आपको निबंध सुनाया। यही निबंध आपको आपकी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें एक बार लिखना है अच्छी तरह से, ठीक है। नमस्ते बच्चों।